नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकवार्ता न्यूज। हमारी खबरें देखने के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के साथ ही कांग्रेस का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के साथ पिछले लोकसभा चुनाव में हुआ गठबंधन खत्म हो गया है। अगले महीने होने वाले इन उपचुनावों को लेकर आरएलपी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन में खीमसा सीट अपनी पार्टी के लिए मांग कर रहे थे। बेनीवाल की शर्त को कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया था। वहीं बाप ने 2 सीटों पर 84 और सलमपुर में प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए थे। बाप सांसद और संस्थापक राजकुमार राउत ने कांग्रेस से दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने आरएलपी और बाप के साथ गठबंधन को खत्म करते हुए दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, हमारा गठबंधन दिल्ली से है। कांग्रेस की ओर से गठबंधन खत्म करने पर बेनीवाल ने नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरी दुश्मन नंबर एक भाजपा है, लेकिन कांग्रेस ने विश्वासघात किया है। वहीं गठबंधन खत्म होने के बाद बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका को खीमसा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि खीमसा सीट बेनीवाल के लिए अग्नि परीक्षा के जैसी हो गई है। इस सीट पर वो लगातार जीतते आ रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में सांसद बन जाने के बाद खीमसा सीट खाली हो गई। अब इस सीट को जीतना हनुमान बेनीवाल की पार्टी की साख पर आ गई है। अब यहाँ देखना होगा कि क्या बेनीवाल की पत्नी कनिष्का ये सीट जीत पाती है या नहीं। हमारी खबर को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।